करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। प्राइवेट स्कूल की सरकार को चेतावनी, बोले पहले 7 करोड़ का बकाया चुकाओ। कुत्ते को मारा पत्थर तो संकी ने छीन ली सांसें। हार जीत खून खराबा बेईमानी बदला, ये है चंबल के बागियों की कहानी। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार। अम्बाला कुलभूषण शर्मा ने हरियाणा सरकार को साफ लफ्जों में चेताते हुए कहा है कि वह राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का आने वाले सेशन में दाखिला चाहते हैं। तो वे पिछले 4 वर्षों का जो कि लगभग 7 करोड़ रुपए बकाया है वो प्राइवेट स्कूल को दिया जाए। कुलभूषण शर्मा राष्ट्रीय नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस और हरियाणा फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के राज्य अध्यक्ष है। उन्होंने मांग की है कि प्रति माह 200 रुपए फीस को बढ़ाकर 2500 रुपए से 3000 रुपए तक की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अन्यथा हम हाईकोर्ट पे रिट डालने जा रहे हैं, जिसे एक हफ्ते के अंदर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में लगभग 12000 बच्चों को आने वाले सेशन में दाखिला नहीं मिलेगा। नई दिल्ली राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में कुत्ते को पत्थर मारने से नाराज मालिक ने 30 साल के अफाक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार सवाल उठा रहा है कि क्या इंसान की जान से कीमती कुत्ते की जान है। मुंबई सुशांत सिंह राजपूत और मनोज वाजपेयी की अगली फिल्म सोन चिड़िया का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के टीजर पोस्टर के बाद ट्रेलर का फैंस लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज